jerk back without you having to even process i actually uh, put my hand on something which was hot similarly knee-jerk example a knee specific area of hit karain, to aapka knee automatically jerk without you having to control it so these are basically known as reflex actions and these are basically meant to be in most cases um, आपके ये बेसिकली प्रोटेक्टिव एक्शंस होते हैं ताकि आपके सोचने से पहले एक चीज़ कर दी जाए टू प्रिवेंट एनी डैमेज ठीक है सो so ओबली बात है कि दीज हैड हैव टू बी वेरी वेरी रैपिड राइट अब स्लो तो नहीं हो सकते लाइक इमेजिन पुटिंग योर हैंड ऑन समथिंग हॉट एंड देन योर रिफ्लेक्स टेकिंग अ वेरी लॉन्ग टाइम इन गिविंग यू द रिस्पॉन्स टू एक्चुअली जर्क योर हैंड बैग राइट सो दीज एक्शंस आर एक्चुअली वेरी वेरी रैपिड तो इसलिए हम कर कैंसिल आउट डी एंड सी एंड बी पीछे रह जाते हैं देखें जो आपके जितने भी रिस्पोंसेस होते हैं वो मोटर न्यूरॉन्स कैरी करते हैं और जितनी भी इंफॉर्मेशन डिटेक्ट होनी होती है वो आपके सेंसरी न्यूरॉन्स करते हैं सो so, जिस वो पार्ट बी में कहते हैं भाई इट इज़ अ रैपिड रिस्पॉन्स डिटेक्टेड बाई मोटर न्यूरॉन्स दैट्स रॉन्ग टू राइट क्या मतलब डिटेक्टेड बाई मोटर न्यूरस इसलिए इसका आंसर बी भी नहीं बनता इसका आंसर है ए

मेन प्रोसेसिंग मतलब जो आपकी है वो बाद में होती है यानी ब्रेन की रियलाइजेशन बाद में होती है पहले एक्शन हो जाता है सो so, उसके लिए पहले वो स्पाइनल कॉर्ड से गुजरेगा बाद में सिग्नल ब्रेन को चला जाएगा खैर सो so, उसका आंसर ए बनता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू पर्सन लुक्स एट सम हिल्स फार वे विच रो शोज द स्टेट ऑफ द लेंसेज सिलरी मसल्स एंड सस्पेंसरी लेगमेंट्स एनरइज तो देखें बेसिकली ना आपका लेंस की जो थिकनेस होती है अगर मैं थोड़ी सी फिजिक्स की बात करूँ तो ये थिकनेस डिटर्मिन करती है कि उसकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी होगी ठीक है uh, तो अगर आपने अपनी जो फोकल लेंथ है uh, आप इसलिए चेंज करते हैं ताकि आप चीज़ों को एडजस्ट कर सकें अपनी राइट के ऊपर ना द आई लुक्स समथिंग लाइक ये आपकी अगर आंख है और यू uh, हैव दीज मसल ओवर हीयर ठीक है और फिर दीज आर कनेक्टेड टू दीज सस्पेंसरी लिगमेंट्स और फिर यहाँ पर आपका इट्स लेंस यहाँ पर होता है सो so, ये आपका लेंस है ठीक है uh, ये आपके सिलरी मसल्स होते हैं और ये आपका सस्पेंसरी लिगमेंट्स हैं अब होता क्या कि जब आप किसी दूर की चीज़ को देख रहे होते हो ना तो दूर से जितनी भी चीज़ें आ रही होती हैं ना बाई द टाइम दे रीच योर आई दे आर ऑलरेडी लाइक पैरल रेस तो इन पैरल रेस को रिफ्रैक्ट करना ज़्यादा रिफ्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती बिकॉज देर ऑलरेडी कमिंग पैरल जो चीज़ करीब से आएगी वो डाइवर्जेंट हो सकती है तो उसको रिफ्रैक्ट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि राइटना पे जाकर वो फोकस um, हो जाए लेकिन जब आप दूर से देख रहे होते तो आपकी जो लाइट की रेज आ रही होती हैं वो ऑलरेडी पैरल हो चुकी होती हैं बाय द टाइम दे हिट दे रे एंड सो द लेंस डज नॉट नीड टू रिफ्रैक्ट दम अलॉट एंड दैट इज़ वाई वो क्या करता हैं अपनी थिकनेस को कम कर लेता है ठीक है सो थिक लेंस नहीं होता वो थिन हो जाता है स्पेशली वन यू लुकिंग एट समथिंग फार वे अब सोचने वाली बात है कि अगर आपका लेंस को थिन होना है तो क्या होना होता है वेल द थिंग इज़ कि ये जो सस्पेंसरी लिगमेंट्स हैं they must come under tension tika inka stretch इस, uh, uh, lens in order to make it thinner so these suspensory ligaments they will be under tension and they are only under tension when these ciliary muscles are relaxed when the ciliary muscles relax, since suspensory ligaments under tension and that is when your lens becomes thinner and that's why it's cancer is These are just a sequence of things that you need to know okay, if, you want, if you're looking at something far away, you don't want to refract the light very much So you need a thinner lens and in order to get a thinner lens, your suspensory ligaments must be under tension and for that to happen, your ciliary muscles must not be contracted. Okay, question number 23 What is the sign of diabetes mellitus? So, dekhe, diabetes ka a very symptom. Again, this is just knowledge based question. That is, you will start getting glucose in your urine. And the main reason for that is ke dekhe, diabetes, hoti hai, ya to, uh, unki body insulin respond In either case, इफ़ यू टेक इन कार्बोहाइड्रेट्स इफ़ यू टेक ग्लूकोज़ रिच डाइट्स तो आपका जो ब्लड का ग्लूकोज़ लेवल है वो बढ़ जाएगा और वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आपके ब्लड से या जब आपकी यूरिन बनती है उस वक्त आपका ग्लूकोज रीअबज़ॉर्ब कर लिया जाता है बैक इं टू द ब्लड एंड इट्स नॉट वेस्टेड इन द यूरिन लेकिन अगर उसका उसकी लाइक like, क्वान्टिटी बहुत ज़्यादा होगी यूरिन के अंदर या जो फ़िल्टर्ड आपका यूरन बना रहा होता है उसमें तो आपकी वो सारी की सारी रीअबज़ॉर्ब नहीं हो पाती एंड दैट इज़ वाई कुछ ना कुछ यूरिन में स्क्रीट आउट हो जाती है एंड दैट्स वाई इसका आंसर भी बनता है ग्लूकोज इन द यूरन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर शोज द बोन्स ऑफ द फोर लिम्ब विच लेबल्स शो व मसल दैट स्ट्रेटन्स दिन्ज ज्वाइंट इज अटैच देखें ये इधर होती है इसको हम कहते हैं हमारा हिन्च जॉइंट ठीक है joint, uh, आप खुद इमेजिन करें वॉट आर यू एक्चुअली डूइंग वेन यू आर ट्राइंग टू स्ट्रेटन दिस हिंड जॉइंट ठीक है Um, अगर आप अपने बाइसेप को थोड़ा सा um, कॉन्ट्रैक्ट करें और फिर रिलैक्स करें तो आप नोट करेंगे कि जो मसल इन फैक्ट आपके हंग जॉइंट को स्ट्रेटन कर रहा होता है दैट इज़ द वन राइट ओवर हीयर ठीक है ये आप खुद फील भी कर सकते हैं ये आपका ट्राई सेप होता है इस इसका आंसर वन एंड टू बनता है Okay, question number 25 Which of the diseases can be treated effectively with anti antibiotics? Antibiotics use ki against bacteria. They don't work against viruses or any other infectious agents, they only work against bacteria. HIV that is a virus, it's actually a retrovirus, RNA virus. Malaria is called uh, is caused by a parasite, it's not a bacteria. Uh, जो आपका सिफिलिस है दैट्स एक्चुअली इज इट्स अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ एंड इट इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज़ सो इसका आंसर जो होगा वो फ्री हो जाएगा दी आंसर इज डी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स द टेबल शोज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर ऑर्गेनिजम्स विच वन कुड बी अ वायरस सेकेंड वायरस जो होते हैं उनको हम एज अ सेल भी क्लासीफाई नहीं करते तो जहाँ तक बात है कि कंटेन्स वन और मोर सेल्स वेल बी सी डी यू कैन क्रॉस वे राइट वे ठीक है उनके पास वो कभी भी मल्टी सेल्यूलर नहीं हो सकते उनको तो हम सेल की तरह भी डिफाइन नहीं करते राइट right? एंड uh, उनमें तो खैर न्यूक्लियस होता ही नहीं है आपका इट्स बेसिकली यू हैव इफ दिस इज़ दिस इज़ एक्चुअली अ स्पेशल टाइप ऑफ अ वायरस कॉल इज बैक्टीरियो फेजस दे पर्टिकुलरली अटैक बैक्टीरिया इसके अंदर या तो आर एन एन पास होता है वायरसेस के पास या फिर डी एन ए होता है बट दैट बेसिकली लाइज नेकेड इन देर इंटीरियर ठीक है जी तो इसमें न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है और स्पोर्स भी इसमें प्रोड्यूस नहीं होते ठीक है वायरसेस की रिप्रोडक्शन सोली जो है वो एक होल सेल के अंदर होती है तो उसमें स्पोर्स बनाने वाला तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन फरमेंटर इज़ यूज टू प्रोड्यूस पेंसिलीन पेंसिलीन वॉज वन ऑफ द फर्स्ट antibiotics uh, which विच made मेड saying why is continuous stirring necessary नेसेसरी ड्यूरिंग process प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन देखिए जब आप उसको लार्ज स्केल में बनाना चाह रहे होते हैं एंटी पेंसिलीन को या किसी और एंटी को आप उसमें अगर एक फ्रेश uh, ऑर्गेनिज्म को यूज़ करें जहाँ पर uh, पेंसिलियम यूज़ हो रहा है ठीक है वो चंग आए जब आप इसको यूज़ कर रहे होते हैं तो उसके कंटेनर के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं ठीक है थीके? इसके कंटेनर में आपकी न्यूट्रंस का सप्लाई लगा होता है इसमें एरेशन हो रही होती है यानी इसमें ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही होती है और इसके अंदर आपका वो ऑर्गेनिज्म पड़ा होता है ठीक है अब इसके अंदर आप क्यों स्टर करना चाहेंगे यूज़ योर कॉमन सेंस वाई वुड यू वॉन्ट टू स्टर इट राइट यू वॉन्ट टू स्टर इट बिकॉज यू वॉन्ट टू इंश्योर कि जितने भी पेंसीलियम आपके पास फंक so yeah, so uh, so, uh, आएंगे दे आर कॉन्स्टेंटली कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द ऑक्सीजन विद द न्यूट्रीन सो दैट दे कैन अंडरगो द प्रोसेस ऑफ या दे कैन एक्चुअली कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन सो दैट दे कैन कैरी आउट देयर बेसिकली नेसेसरी प्रोसीजर्स एंड प्रोड्यूस पेंसिलियन ठीक है सो फॉर मी द लॉजिकल आंसर सीम्स ए मतलब आपका पेंसीलियियम बॉटम ऑफ द फर्मेंटर पे है तो हाँ क्या करें फिर हम उसका राइट अगर वो टॉप पे है तो हम क्या करें राइट और वाई वुड द पेंसेलियम इवन रिएक्ट विद्स ऑफ द फर्मेंटर सो द लॉजिकल आंसर हेयर इज़ ए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स रिलेशनशिप्स इन इकोसिस्टम्स कार्बोहाइड्रेट्स आर पास फ्राम डीकम्पोजर्स टू प्रोड्यूसर सो दैट इज रॉन्ग कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूसर्स से आगे पास ऑन होते हैं आपकी फूड चेन में लेकिन डीकम्पोजर्स वापस नहीं ला के देते वो उसको फर्दर ब्रेक डाउन कर देते हैं यानी डीकम्पोजर्स का मकसद है कि uh, आपके नाइट्रेट्स आ जाएँ सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स बेसिकली रिटर्न हो जाए uh, आपकी इन्वामेंट um, में इनका ताल्लुक बिल्कुल भी ये नहीं होता कि हम कार्बोहाइड्रेट्स वो किसी भी तरीके से वापस कर सकते हैं देन एनर्जी इज़ पासड फ्राम कार्नी टू हर्बी वर्स दैट इस नॉट वेरी पर्टिकुलर थिंग दैट वी कैन स्टेट राइट खुद सोचने वाली बात है कि कार्नी व एक हर्बी वर्ड को किस तरह पास करेगा एनर्जी हर्बी वर्थ सोनली घास भूस इन चीज़ों पर डिपेंड करे फॉर फूड एंड कार्नि वो एक्चुअली डिपेंडिंग ऑन द हर बी और समथिंग लाइक मीट राइट तो अगर हर बी वॉय कार्नि वो खा ही नहीं रहा तो उसे एनर्जी किसान ले सकता है सो so, बी भी गलत है सी प्रोटीन्स आ पास फ्राम प्राइमरी कंज्यूमर्स टू प्रोड्यूसर्स तो एबसोल्यूटली रॉन्ग आपके जो प्रोड्यूसर्स होते हैं प्लांट्स होते हैं वो डायरेक्ट सोलर एनर्जी को यूज़ करके केमिकल एनर्जी बनाते हैं दे डोंट नीड कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स फ्राम एनी अदर सोर्स And then there is carbohydrates are passed from producers to herbivores. So, this is correct because they can just starch a plant the or sucrose the just your sugarcane sucrose hoti hai. carbohydrates and these are transferred to herbivores, jabon plants ko khate So, D is correct. Question number 29, the diagram shows a food web of organisms found in a pond. Which organism is, bur is both a herbivore and a carnivore? Yani plant bikhaasakte. और ये मीट भी खा रहा है तो ये आपका एलगी है ठीक है इससे अगर मैं आगे देखूँ तो ये है जी पैरामीशियम एंड देन यू हैव मॉस्कीटो लार्वा अच्छा मॉस्कीटो लार्वा को थोड़ी देर के लिए देखें द एरो इज़ पॉइंटिंग टूवर्ड्स फ्राम एलगी टू मॉस्कीटो लार्वा विच मीन्स की मॉस्कीटो लॉर्विस एलगी पे फीड कर रहे हैं बट ये भी नोट करें कि पैरामीशियम जो है दैट इज़ फीडिंग ऑन एलगी एंड द मॉस्कीटो इज लार्वा इज़ ऑल्सो फीडिंग ऑन पैरामीशियम सो इट इज फीडिंग ऑन बोथ एल्गी एंड पैरामीशियम यानी कि फिर ये क्या हुआ यहाँ से हर्बी वॉय हुआ और यहाँ से ये कार्नी वोड हुआ बाकी अगर आप किसी को भी देख लें तो देखें ये आपका स्टिकल बैक है ये डाय मॉस्टो लारवा पे फीड करे सो दिस इज़ कार्निव पाइक इज़ फीडिंग ऑन स्टिकल बैग स्टिकल बैग सो इट इज़ ऑल्सो कार्निवोड बाकी सब में अगर आप देखें तो एक सिंगल लाइन जा रही है कोई भी दो चीज़ों पर फीड नहीं कर रहा एंड फॉर देट मैटर दो चीज़ों पे कोई कर भी नहीं रहा अगर कर भी रहा होता तो फिर वो कार्निर्स पर ही कर रहा यानी दो um, मीट वाली चीज़ों पर ही कर रहा होता लेकिन मॉस्कीटो लॉब स्पीडिंग ऑन टू थिंग्स पारामिशियम एनालगी सो द आंसर इज मॉस्टो लॉब और एट द डायग्राम शोज द नाइट्रोजन शो साइकिल विच स्टेज इज कैड आउट बाई नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया लेकिन नाइट्रिफाइन सॉरी नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया का पर्पज़ होता है कि आपकी सॉइल में जो अमोनिया होती है ना अमोनियम सॉल्स इन स्टफ़ लाइक दैट उसको किसी तरीके से कन्वर्ट कर दिया जाए इंटू नाइट्रेट्स इन दॉयल ये पर्पज होता है आपके नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का सो आई सी नाइट्रेट्स इन द सॉइल आई सी अमोनियम कम्पाउंड इन द सॉयल सो ये वाली जो कन्वर्जन करने वाली चीज रिस्पॉन्सिबल है वो जो बी की कन्वर्जन करने वाली रिस्पॉसिबल है दैट इज नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया क्वेश्चन नंबर थर्टी वन थ्री स्टेटमेंट्स अबाउट मलेरिया पैरासाइड्स आर लिस्टेड इंसेक्टीसाइड्स आर यूज टू किलैक्टर्स

It won't be able to uh, it won't be able to bite people and spread that pathogen, right? So we are kind of controlling ammonia here, uh, ammonia carrier malaria here. Then netting is used to keep the vectors away from people. If we netting, se vector, ko aur usko bite karne logoko, Then again, we are controlling malaria because we are not allowing the mosquito to bite people and to spread that pathogen. So two is correct as well. पीपल टेक ड्रग्स दैट स्टॉप द मलेरिया पैथेजिन डिवेलपिंग तो अगर इनकेस बाइट उसने कर भी लिया मॉस्किटो ने पैथेजिन को रिलीज कर भी दिया आपके ब्लड स्ट्रीम में तो अगर आप ऐसी ड्रग्स ले रहे हैं जो उस पैथेजन को डिवेलप ही नहीं होने दे रहा तो वंस अगेन योर कंट्रोलिंग मलेरिया राइट बिकॉज अगर एक पर्सन इन्फेक्ट मतलब इन्फेक्ट हो गया लेकिन वो डिवेलप नहीं हो रहा था ख़त्म हो जाएगा वो बॉडी के अंदर तो वो आकर और लोगों को इन्फेक्ट नहीं करेगा एंड दैट मेक्स मलेरिया एक्चुअली कंट्रोल्स मलेरिया राइट So the answer would be A. Okay, question number uh, 32 What would be an undesirable feature in an insecticide? Insecticides are basically insects kill karte. So A ji, it becomes more concentrated at each state in the food web. Now, trust me when I say this is the most undesirable thing you can ask for either in the insecticide. और हर्बी साइड और एनी थिंग बिकॉज़ अगर एक ऐसी चीज़ एक ऐसा आप केमिकल यूज़ कर लें जो लेते आपने प्रोड्यूसर्स पे एक्ट किया और वो प्रोड्यूसर्स ने गेन कर लिया, तो समथिंग इज़ नोन एज बायोलॉजिकल एम्प्लीफिकेशन ये ये चीज़ होती है कि अगर आपकी इस तरह की एक डिज़ायरेबल चीज़ चली गई फूड वेब के अंदर तो वो बायोलॉजिकल्पलीफ एम्पलीफिकेशन का शिकार बन जाती है यानी कि every single time you have let's say producers and then you have something else and then something else and then something else जिस तरह आपकी food web आगे चलती चली जाती है आपका वो जो undesirable molecule harmful molecule है वो amplify होता रहता है तो उसकी concentration बढ़ती रहती है so this is like the most undesirable thing that we can ask for in any drug in any chemical ठीक है तो a तो मतलब के मैंने cross लगा दिया मतलब a is definitely that undesirable feature उन्हें कहा जी इट ब्रेक्स डाउन विद इन अ फ्यू मंथ्स और श्योर वी डू वॉन्ट इट टू ब्रेक डाउन इन अ फ्यू मंथ्स मतलब हम नहीं चाहते कि वो बहुत जल्दी खत्म हो जाए हम ये भी नहीं चाहते वो बहुत अरसा रह जाए हम चाहते हैं कि वो थोड़ी देर के लिए रहे जितने वो वो हमारे रिक्वायर्ड इंसेक्टिसाइड्स हैं उनको किल कर दें इट डिस्ट्रॉयज़ वन पर्टिकुलर इंसेक्ट ओनली तो देखिए जब प्लांट्स के ऊपर इंसेक्टिसाइड लगाया जाता है तो उसमें ढेर सारे इंसेक्ट्स जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं तो हम कोई एक पर्टिकुलर इंसेक्ट किल नहीं करना चाह रहे होते इट इज़ ट्रू की उसके अंदर बेनिफिशियल इंसेक्ट्स भी किल हो जाते हैं बट दैट्स काइंड ऑफ लाइक राइट नाउ एटलीस्ट दर इज नो अदर वे अराउंड से डिस्ट्रॉयज द इमेज और फॉर्म्स ऑफ एन इंसेक्ट तो दैन अगेन इसको बुरा नहीं समझा जाता दिस इज नॉट अन बिकॉज अगर आप उसकी इमेज और फॉर्म्स कोई किल कर दोगे उसको डिवेलप नहीं होने दोगे तो इट विल नॉट इनफेक्ट द थिंग दैट योर ट्राइंग टू बेसिकली प्रोटेक्ट सो जी इसका आंसर ए बनता है क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री द डायग्राम शोज ए फ्लावर कट इन हाफ विच टू पार्ट्स ऑफ द फ्लावर प्रोड्यूस हैप्रॉइड गैमिट्स यानी कि गैमिट्स के इधर जनरेट होते हैं तो जी आ, आ, ये जो होता है आपका इसको हम कहते हैं एंथर ठीक है एंड दीज आर फिल्मेंट्स जो पोलन ग्रीनस होते हैं जिनको बेसिकली मेल ग्यामिट्स आप कह सकते हैं फ्लावर्स में वो एंथर से जनरेट होते हैं ठीक है तो ये फोर एक तो आपका इसमें हो जाएगा उसके अलावा ये होती है आपकी फिलामेंट्स uh, इनका कोई खास नहीं है ये खाली प्रोट्यूट कराती हैं आपकी एंथर को आउटसाइड मेन पर्पस आपका एंथर का ये होता है टू मेक दोज पोल ग्रेन्स देन दिस इज़ द स्टिग्मा स्टिग्मा का मेन पर्पस होता है टू कैच दैट पोल ग्रेन नॉट टू जनरेट जेनरेट सो इट्स नॉट वन आइदर एंड नाउ नस दिस राइट हेयर इज़ द ओवरी ऑफ द फ्लावर ठीक है यहाँ पर आपकी फ़ीमेल गैमीट्स बनते हैं ओवा बनते हैं तो दिस इज़ करेक्ट टू सो आंसर वुड बी टू इन फोर सो सी question number 34 the diagram shows a section through a non-endospermic seed which structures develop into the adult plant they came get this structure right here that you see in the seeds in, this, uh, in the drawing of seeds is as the embryo isko hain plant ka embryo so this is in fact the part of the plant which will actually become एन एडल्ट प्लांट जब वो ग्रो करना शुरू होगा ठीक है ये इसकी आपकी सिर्फ और सिर्फ कवरिंग होती है आउटर कवरिंग होती है सीट के यहाँ पर इसका रेजोवॉयर होता है फॉर एंड एंजाइम्स एंड स्टफ़ लाइक दैट और वाटर एज वेल वंस स्टार्ट्स जॉपिंग वाटर द थिंग दैट एक्चुअली डिवेलप इन टू दडल्ट प्लान्टज़ दिस राइट ईयर ठीक है इसको हम उसका एम्ब्रियो कहते हैं सो so, यहाँ पर उन्हें दो लेबल्स लगाए हुए टू एंड थ्री सो इसके लिए हम uh, टू एंड थ्री दोनों का इंग एंड सो दिल बी सी क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव विच रोड डिस्क्राइब्स अ कॉज एज सिम्टम एंड ए ट्रीटमेंट फॉर मेल्स देखें ये आपकी एक बैक्टीरियम काज करते इससे पहले भी हम कर चुके हैं क्वेश्चन जिसमें हमने इसको टेक किया था कि दिस विल बी ट्रीटेड बाई एन एंटीबायोटिकट्स कॉज बाय अ बैक्टेरियम और इसकी सिम्टम ये होती है कि वन ऑफ द सिम्टम इज के इट डज़ लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ पेनफुल जॉइंट्स सो येस दंसर दिस इज ए यहाँ पर गौर करें बी में एंटीबॉडीज़ लिखा हुआ है ए में एंटीबायोटिक्स लिखा हुआ है ठीक है एंटीबॉडीज़ तो वैसे ही बन ही जाती हैं हर चीज़ के अगेंस्ट चाहे वायरस हो बैक्टीरिया हो आपकी बॉडी खुद बना रही होती है पर अगर आप एक किसी चीज़ की किसी इंसान की ट्रीटमेंट करना चाह रहे हैं तो फिर अगर वो बैक्टीरिया हो तो फिर हम उसको एंटीबायोटिक देते हैं अगर वायरल हो डिज़ीज़ तो फिर हम उसको एंटीवायरल देते हैं अच्छा क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स द डायग्राम शोज द चेंजेस इन थिकनेस ऑफ़ द यूट्रस लाइनिंग ड्यूरिंग वन मेंस्ट्रुअल साइकिल वन व लेवल्स ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन एन एल एच पी हाइस्ट देखें वैसे एंड पे रिलीज़ होती है आपकी प्रोजेस्ट्रॉन इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि ये आपको प्रिपेयर करती है आ, जो आपकी यूट्रस लाइनिंग है उसको फॉर द इम्प्लानशन ऑफ अ जय को ठीक है ये क्या करती है दिस एक्चुअली तिकन्स दूट्रस लाइनिंग सो और ये एंड पे जाके कहीं रिलीज होती है सो इफ़ यू नो इट तो यहाँ पर इन्हें इन एवरेज ट्वेंटी एट डे साइकिल आपकी फोटीन डे पे ऑप्यूलेशन होती है ठीक uh, um, fer है दिस इज़ द टाइम वे द एग रिलीज आउटसाइड ऑफ द ओवरीज ठीक है और यहाँ पर बेसिकली फर्टिलाइजेशन के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं एंड देन एज यू सी आफ्टर दिस कुछ दिनों बाद आपकी वो थिक uh, जो लाइनिंग है ऑफ द यूट्रस लाइनिंग वो थिक होती जा रही है दिस थिकनिंग इज़ एक्चुअली बींग बाई प्रोजेस्ट्रॉन ठीक है सो यहाँ पर आई वुड लुक फॉर समथिंग विच इज़ आफ्टर फोर्टीन एंड दैट गिव्स मी दी ऑप्शन बी क्योंकि ऑन डे थर्टीन नहीं ऑन डे फाइव नहीं टेल्व टू सिक्सटीन भी नहीं ओविशन के बाद प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल बढ़ता है और यूट्रस लाइनिंग आपकी थिक हो जाती है बिकॉज बॉडी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द इम्प्लानशन ऑफ अ जयकोड उसका आंसर बी है नाइन्टीन टू ट्वेंटी थ्री अपार्ट फ्राम दैट जो आपका ल्यूटिनाइजिंग हॉमोन है ये फॉर मल्टीपल रीजन रिलीज़ होता है लेकिन जब इसकी हाईएस्ट अमाउंट्स क्योंकि उन्होंने कहा हाईएस्ट इसकी जो सर्ज आती है एलएच की या जो हाईएस्ट अमाउंट्स में तब प्रोड्यूस होता है जब आपकी ओविलेशन करानी होती है ठीक है जब आपके उस एग को रिलीज़ करना होता है ओवरीज में से बिकॉज इसकी एल की जब सर्ज जनरेट होती है बॉडी में तो आपका जो आई एक्चुअली फॉरगॉट इट्स नेम कॉर्पस ल्यूटियम बट बिफोर दैट इट इज़ ए

Okay, question number 37. In a species of mouse, fur color can be black or white. Two black female mice were allowed to mate with the same black male. So, one female had uh, nine young, all of which were black. The other female had seven young, five black, and two white. Um, isko dekke, I can tell one thing that white is going to be recessive, theke, and black is going to be the dominant one. बिकॉज जब हम ब्लैक ब्लैक को uh, आपस में कर भी रहे हैं राइट right? तो आई मीन ब्लैक दो ब्लैक इंडिविजुअल्स आपस में मेट जब कर भी रहे हैं तो मेजॉरिटी आपके पास ब्लैक ही आ रही है इट बिन ब्लैक है अगर ब्लैक आपका रिसेसिव होता तो आपकी सारी की सारी जितने भी आने चाहिए थे इंडिविजुल्स दे शुड हैव बिन ब्लैक ओनली ठीक है वाइट नहीं आने चाहिए थे अगर वाकई में ये रिसेसिव होता और अगर ये इसका मतलब है ये डोमिनेंट है ठीक है यानी कि आपके पेरेंट्स में वाइट की एलील थी तो बच्चों में आई राइट यू कैन सी दिस ओवर हियर बट पेरेंट्स में वाइट की एलील थी तो बच्चों में आई और अगर पेरेंट्स में वाइट की ए थी लेकिन शो नहीं हो रही थी क्योंकि दो आ, आपकी फीमेल्स भी ब्लैक है मेल भी ब्लैक है अगर वो शो नहीं हो रही तो फिर दैट वुड हैव रिसेसिव अच्छा अब देखें आपके पास एक मेल है और आपके पास दो फीमेल्स हैं तो एक मेल एक फीमेल के साथ तो आपके नाइन यंग पैदा होते हैं ठीक है जो कि सारे के सारे ब्लैक हैं और फिर एक और फ़ीमेल के साथ आपके फाइव ब्लैक होते हैं और टू वाइट होते हैं अब ये जो वाइट होंगे राइट वी हैव ऑलरेडी लाइक कम टू द फैक्ट कि वाइट इज़ रिसेसिव तो जो दो वाइट हो रहे हैं उनकी क्या जीनो टाइप होगी बी बी राइट स्मॉल बिकॉज रिसेसि सिर्फ होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में अपना आपको शो करता है सो सुदीज आर बी बी एंड नाउ दे आर सेंग दैट वन ऑफ दिज वाइट माइस वज़ मेल एंड अलाउड टू मेट विद अट्रोजाइगस फीमेल यानी कि एक बी बी ये हेट्रोजाइगस फीमेल है इसके साथ हमने मेट किया है तो आपने सिंपली क्रॉस लगाना बी बी को आप बी बी से कर रहे हैं एक आपकी ये कॉम्बिनेशन बनती है बी बी एक आपकी ये कॉम्बिनेशन बनती है बी बी एक ये बनती है बी बी और एक ये बनती है बी बी सो वी हैव टू वाइट एंड टू ब्लैक सो द आंसर फॉर दिस वुड बी ए ओके क्वेश्चन नंबर थर्टी एट द डायग्राम शोज द ब्लड ग्रुप ग्रुपोटाइप्स ऑफ सम मेम्बर्स ऑफ अ फैमिली विच मेम्बर ऑफ द एफ वन जनरेशन मस्ट बी हेट्रोजाइगस व को डोमिनेट एलियल्स अच्छा जी देखिए पेरेंट्स यहाँ पर हमें बताया है कि इनका ब्लड ग्रुप ओ है ब्लड ग्रुप uh, जो बेसिकली आपकी एलील होती है फॉर द ब्लड ग्रुप ओ ये रिसेसिव होती है टू बोथ ए एंड टू बोथ बी ठीक है और ए भी आपस में को शो करते हैं सो so आपके पेरेंट्स हैं वो दोनों ही ब्लड ग्रुप ओ से बिलोंग करते हैं ठीक है सो दिस मीन्स के बोथ ऑफ देम वुड बी रिसेसिव एंड उसके बाद वन दे विल मेड सो डेफिनेटली दी ओनली थिंग दैट दे कैन प्रोड्यूस इज गोइंग टू बी सम ब्लड ग्रुप ओ एज वेल तो इधर भी जो इंडिविजुअल uh, ए है उसके पास सिर्फ और सिर्फ ये एलियस गई हैं यानी ब्लड ग्रुप ओ की अब अगर आप देखें तो बी के साथ जब ए मेड करता है तो इन दी एफ टू जनरेशन वी गेट बोथ ब्लड ग्रुप बी एंड बोथ ब्लड ग्रुप ए यानी कि अगर बच्चों में ये अलील आ रही है तो डेफ़िनेटली पेरेंट्स से आ रही है लेकिन हमें पता है कि पेरेंट ए के पास तो सिर्फ ओ की ऐलील थी So, then this means that the parent B had both the allele for blood group B as well as blood group A. So, this is Question number 39 Which human characteristic shows discontinuous variation? Yani would discrete. This yani 1, 2, 3, 4, 5. It's not basically 1 and then 1.1, 1 .1, 1 1.2, 1 1.3. Um, body mass, 64 bhi ho sakta hai, 65, but in between. Kuch bhi ho sakta hai. So, body mass is continuous. Heart rate is also continuous. Uh, height is also continuous. Uh, however, sickle cell anemia is discontinuous variation. Aapki population mein kuchko hogi, yani yaa sickle cell anemia hoga, sickle cell anemia nahi hoga. So these are the two conditions that can exist. So this is discrete, this is discontinuous. Question number 40, a farmer wants to produce extra large sweet oranges uh, by selective breeding. Using information from the table, which plant type should the farmer select for breeding? तो सेलेक्टिव ब्रीडिंग कर रहे हैं तो हम बेसिकली उन दो प्लांट्स के लिए जाना चाहेंगे जो हमें एक्स्ट्रा लार्ज ऑरेंजेस भी दे और स्वीट भी दे तो इफ़ आई एम लुकिंग एट द स्वीटनेस आई कैन सी के जो थ्री एंड फोर है वो रिलेटिवली हमें uh, ज़्यादा परसेंटेज दे रहे हैं शुगर का हाउेवर इसके अंदर थ्री की साइज़ बहुत छोटा है और जो फोर है उसका साइज़ कहीं इन बिटवीन है सो आई वुड प्रिफर यूजिंग फोर फॉर द सेलेक्टिव ब्रीडिंग अब अलॉन्ग साइड वी वॉन्ट समथिंग विच हैज़ ए ग्रेटर साइज़ सो अगर हम टू में देखें तो साइज़ हमें बड़ा मिल रहा है परसेंटेज कम मिल रही है सो दैट्स फाइन बिकॉज फोर में साइज़ इंटरमीडिएट so, था लेकिन परसेंटेज शुगर हाई है और टू में साइज सबसे बड़ा है लेकिन परसेंटेज शुगर कम है तो इनको अगर आप उसमें मेड करेंगे तो ज़्यादा चांसेस हैं कि स्वीट भी होगा और एक्स्ट्रा लार्ज भी होगा सो so, इसका आंसर टू एंड फोर बनता है सो दिस इज़ इट फॉर टुडे if you like the video then give it a thumbs up maybe subscribe to the channel and hit the bell icon or baki aap se baad mein with, with another paper khuda hafiz